में से कोई भी इस घर में महफूज नहीं है, ना मैं, ना आमी, ना महक। और ये बात अब्बू शायद जानते थे, इसीलिए वो हम सबको समीर के घर भेजना चाहते थे, और मैंने उन्हें ही गलत समझ लिया। लेकिन रूबी और नगमा के इरादे जानने के बाद वो खामोश क्यों रहे? नगमा और रूबी आखिर चाहती क्या है? मैंने तो अपना काम कर दिया था, लेकिन क्या करें, नवाब मिर्जा की किस्मत इतनी अच्छी है, बच निकला वो। मामा, हमारे साथ बहुत बुरा हुआ। कितनी मेहनत से हमने इन पेपरों पे सिग्नेचर लिया था, सब किए कराए पे पानी फिर गया। अब इन पेपरों की कोई वैल्यू नहीं। तो वैल्यू की बात छोड़ो, तरह सोचो, अगर नवाब मिर्जा ने बयान दे दिया तो हमारा क्या होगा? हम तो बचेंगे नहीं। मामा, एक्चुअली गलती आपकी है। आपने कैसा जहर दिया? वो हॉस्पिटल में आपके जहर की वजह से नहीं, हार्ट अटैक की वजह से पड़े हैं। मुझे क्या मालूम था उसे हार्ट अटैक होने वाला है, वरना मैं जहर नहीं देती, डरा देती, वो ऐसे ही मर जाता। बचकर हमारे लिए मुसीबत बन गया है। इस मुसीबत से बचने का रास्ता मुझे मालूम है। अंडरग्राउंड जाने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। डरते वो लोग हैं जो अपनी हार को जीत में बदलना नहीं जानते, लेकिन मैं जानती हूँ। आप मेरे साथ हॉस्पिटल चलिए, आपको सब पता चल जाएगा। अच्छा, वो तो ठीक है, ये कागज का क्या करें? साथ में ले जाए? नहीं नहीं, इसका वहाँ कोई काम नहीं, इसे तो यहीं कहीं छुपाना होता है। वहाँ कोई भी देख सकता है। इसे मैट्रेस के नीचे छुपा देते हैं, ना किसी की नजर पड़ेगी, ना किसी को शक होगा। ठीक है। कौन से पेपर्स हैं ये? ऐसा क्या है इनमें? जो ये तो अबू का वसीयतनामा है, तारीख भी आज की है, लेकिन ये ओरिजिनल कॉपी नहीं है। इसके मुताबिक अबू की सारी जायदाद की मालकिन नगमा है और वारिस रूबी। या खुदा, इसका मतलब है वो सिर्फ जायदाद के लिए अबू को मार देना चाहते हैं। हेलो डॉक्टर आमिर, हैं आमिर, मैं बोल रही हूँ। हीना, आई एम सॉरी, मिर्जा साहब को अभी तक होश नहीं है। आमिर, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। ज़रूर, कहिए। हौसला रखिए भाभी जान, हौसला रखिए। बुआ जी, इनसे कहिए बैठ जाए, इन्हें आराम की सख्त जरूरत है। बैठिए, आइए प्लीज। आइए भाभी जान। अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक होगा भाभी जान। होश था ही कब, वरना उनकी जिंदगी में तुम कैसे आती?
मामा, इनके कहने का मतलब ये है कि उन्हें होश नहीं आया। तुम फिक्र मत करो बेटा, मिर्जा साहब को कुछ नहीं होगा। हम जो आ गए हैं, चलो उन्हें देख कर आते हैं। अरे इन्हें कोई रोको। रुक जाओ, रुकिए। किस हक से रोकूं उन्हें? आप लोग कहाँ जा रहे? डॉक्टर साहब, मुझे अबू से मिलना है। इस वक्त उनसे कोई नहीं मिल सकता। डॉक्टर साहब प्लीज प्लीज, मुझे अबू से मिलना है। मैंने कहा ना, इस वक्त उनसे कोई नहीं मिल सकता। शकुंतला जी, आप डॉक्टर साहब से कहिए ना कि मुझे अंदर जाने दें। मैं पीर बाबा की दरगाह से ये तावीज लेकर आई हूँ, बस इसे बांध कर बाहर आ जाऊंगी। ये डॉक्टर क्या जाने, उन्हें तो इन चीजों पर यकीन नहीं है। जो काम दवा नहीं कर सकती है वो दुआ करती है। बस मैं तावीज बांधकर बाहर आ जाऊंगी। आपको आपके शौहर का वास्ता है। लेकिन आप दोनों साथ साथ नहीं जा सकते, एक एक करके जाइए। पहले आप जाइए। मिर्जा, तुम्हारा आखिरी वक्त आ चुका है। तुम्हारे रहते हुए मैंने बेवा की जिंदगी बिताई है। अब तुम्हारे रहने या ना रहने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ेगा तो शगुफ्ता को। अब वो बेवा की जिंदगी बिताएगी। उसे बेवा देखकर मेरे दिल को बहुत सुकून पहुंचेगा। अलविदा। या अल्लाह, ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। मेरी जान लेने मिर्जा की जान बचने या बुलाया। अम्मा ऐसा नहीं बोलते। मामा, मामा ऐसा नहीं बोलते। बेटा मैं जीना नहीं चाहती हूँ, सहर दे दो मुझे। मामा प्लीज, मामा ये मेरी निजात का रास्ता है। बेटा मैं जीना नहीं चाहती हूँ मिर्जा के बगैर। अच्छा ठीक है मामा, मैं अबू को जाके देख के आती हूँ। हाँ जन्नत में पहुंचा देगा। अपनी बेटी की तरफ से जन्नत का तोहफा कबूल हो। मत कीजिए, मुझे पूरा यकीन है कि हमारी मुराद जरूर पूरी होगी। अबू कैसे हैं? महक की क्या खबर है? महक और नाज को मैंने आपके घर छोड़ दिया है, आपकी अम्मी के साथ। ये तुमने अच्छा किया। अबू कैसे हैं? कैसी तबीयत है उनकी?